क्या आप लोगों को पता है मोर देन 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट जो रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? नहीं पता? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और अगर आपकी लैंग्वेज में बात कहें तो सिकाई की डॉक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि रेडिएशन डर्मेटाइटिस या रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन रिएक्शंस या रेडिएशन बर्न क्या होते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को रेडिएशन का ट्रीटमेंट बताते हैं, कैंसर पेशेंट्स में बहुत मोर देन 60% पेशेंट में रेडिएशन लगता ही लगता है उनके ट्रीटमेंट में, तो हर पेशेंट को ये रिएक्शंस नहीं आती, लेकिन हाँ मोर देन 80% पेशेंट को स्किन रिएक्शंस आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या ग्रेडिंग है, हर एक को तो नहीं आते, कुछ ही लोगों को क्यों आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये रेडिएशन रिएक्शंस होते हैं कहाँ आते हैं, पहली चीज़, जब भी हम रेडिएशन देते हैं किसी भी ट्यूमर को बॉडी में, जहाँ वो होता है, जहाँ से रेडिएशन अंदर जाएगा बॉडी में और जहाँ से एग्जिट होगा, दोनों ही जगह पे रिएक्शंस आ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्यों आते हैं, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट को हम किस इंटेंट से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डेफिनेटिव इंटेंट में ऑब्वियसली बातें आएगा, पैलेटिव इंटेंट में इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ उसमें भी आएगा। दूसरा, हम कितनी डोज में दे रहे हैं, ये डोज बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर डोज होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किन रिएक्शंस के। तीसरा होता है कि फ्रैक्शन क्या दिया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ सिकाई हम दे रहे हैं, हर सिकाई में कितनी डोज दे रहे हैं, किस बीम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस मशीन से कर रहे हैं। मशीन का बहुत बड़ा रोल होता है स्किन रिएक्शंस में। कोवर्ल्ड के टाइम में जिस हिस्से को भी हम देते थे, कोवर्ल्ड मशीन एक टेक्निक होती है, उस टाइम हम जब भी जिस हिस्से को भी देते थे तो पूरा जो एरिया होता था ट्रीटमेंट का पूरा काला पड़ जाता था, तो मशीन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कि कितनी बड़े हम सरफेस को दे रहे हैं, कितनी बड़ी फील्ड को हम दे रहे हैं, किस किस टेक्निक से रेडिएशन प्लान किया गया है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं स्किन रिएक्शंस के फैक्टर में। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है पेशेंट रिलेटेड। पेशेंट रिलेटेड मतलब कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। पेशेंट को कोई पहले से स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है, या उसको वेस्कुलाइटिस टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसका ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या डायग्नोसिस हुआ है, क्या स्टेज है, ये सारी बातों पे भी डिपेंड करता है स्किन रिएक्शंस। स्किन रिएक्शंस तो जनरली होते हैं डे वन पर ही शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एक्यूट बोलते हैं। कुछ होते हैं क्रॉनिक, तो जो हमारा जो मेजर कंसर्न है ना वो क्रॉनिक नहीं है। क्रॉनिक आते हैं महीनों और सालों बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट के, लेकिन जो एक्यूट होते हैं वो डे वन से शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। जो मेन जो सिम्टम्स जो पेशेंट को प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं वो 1 से 2 हफ्ते के रेडिएशन के बाद देना शुरू करते हैं। तो जो स्किन रिएक्शंस होते हैं उसकी ग्रेडिंग क्या होती है, उसकी ग्रेडिंग डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रेडिएशन या कितनी सिकाइयाँ उसको अभी तक लग चुकी हैं। जनरली जो रेडिएशन डर्मेटाइटिस की जो ग्रेडिंग होती है वो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि RTOG है या फिर CACT है या फिर क्या है, लेकिन जो मैं मोटा मोटा आपको समझ में आ जाए इस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि इसके यहाँ मेजर जो कैटेगरी होती है, जो ग्रेडिंग होती है, वो 4 होती है, Grade 1, Grade 2, 3 and 4। जो Grade 1 and Grade 2 है आप ये समझ लीजिए 80% लोगों में वो आते ही आती हैं। 3 and 4 इसमें कन्वर्ट ना हो इसलिए आपको हमेशा जब भी रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ग्रेड वन क्या होता है, ग्रेड वन जर्नली पहले दिन से शुरू हो जाएगा, 14 to 15 hours में शुरू हो जाता है। जिस हिस्से में भी हम रेडिएशन दे रहे होते हैं वो स्किन रेड हो जाती है, जैसे जैसे सिकाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं वो ब्लैक। अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं आपको कि हेड एंड नेक एरिया, इस हिस्से का जो ट्यूमर होता है जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ते चले जाएंगे ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे भरेंगे स्किन पीलिंग होने लगेगी जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, जैसे जैसे सिकाई बढ़ेगी इचिंग होने लगेगी, प्रूराइटिस, उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल अनईजी लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा इचिंग करने का मन करेगा। तो ये सारे ग्रेड वन के सिम्टम्स होते हैं। ग्रेड टू में क्या होता है, ग्रेड टू में जैसे कि इसमें ग्रेड वन में ड्राई पीलिंग होने लगती है, स्किन निकलने लगती है, हल्के से रगड़े से ही वो स्किन छूटने लगेगी, इसमें भी होने लगती है बट इसमें टेंडरनेस आ जाती है, पेन आ जाता है।
जब भी पेशेंट जहाँ पर टच करेगा उसको पेन फील होगा, अगर उसने कहीं पे इचिंग कर लिया, स्क्रैच कर लिया, कहीं पर भी जहाँ पे भी रेडिएशन लग रहा है वहाँ पे उसको सीवियर टेंडरनेस फील होती है, इडिमा आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो ग्रेड टू होता है। ग्रेड टू में जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन जल्दी आते हैं और वो अल्सर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मॉइस्ट डिस्क्वेमेशन हम बोलते हैं, तो ये ग्रेड टू में होता है। ग्रेड थ्री में क्या होगा, ग्रेड टू का ही सीवियर पार्ट, एग्रेसिव पार्ट, इसमें ना पेशेंट को लाइक क्लियर कट अल्सर दिखने लगेगा, फर्स्ट डिस्चार्ज वाली फीलिंग आने लगेगी। ग्रेड फोर में इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन ऐड हो जाते हैं, पेशेंट को प्रॉपर अल्सर आ जाएंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, हैमरेज हो सकता है वहाँ पे। तो ग्रेड फोर सीवियर कैटेगरी में आता है। हमारा जो इंटेंशन होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का, पेशेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है कि पेशेंट ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर में ना पहुँचे। ग्रेड वन तो 100% आएगा, उसमें तो आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी जो कि हम बता देते हैं शुरू से ही, लेकिन ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर में ना पहुँचे इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी सिकाई शुरू हो हमेशा न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस बताए वो फॉलो करो। तो ग्रेड वन और ग्रेड टू जब भी स्किन चेंजेस आए उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या प्रिकॉशंस लें और ऐसे क्या टिप्स हैं कि हम ग्रेड वन और ग्रेड टू में ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी जहाँ पे भी रेडिएशन हो वो एरिया को फ्रिक्शन यानी कि रगड़ से बचाना है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं, जो इस वाले हिस्से के कैंसर्स होते हैं, यहाँ पूरी नेक, ये पूरी नेक, ये पूरी काली पड़ जाती है, पूरा काला पड़ जाता है। तो आपको कोई भी ऐसी शर्ट या ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने हैं जो कॉलर वाले हों, कोई मतलब गमछा या रुमाल ऐसे बांध के नहीं आना है। इस एरिया को पूरा ड्राई रखना है, हवा लगने देना है, इस हिस्से में ब्लेड का शेविंग के लिए यूज़ नहीं करना है। अगर शेविंग करनी भी है आपको तो इलेक्ट्रिक रेजर यूज़ करिए, कोई भी क्रीम, ऑइंटमेंट, पाउडर, डिओड्रेंट कुछ भी नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा स्केलिंग होना शुरू हो जाती है तो डरना नहीं है, बस प्रिकॉशंस लेने हैं। जब कभी कभी पेशेंट को बहुत इचिंग होती है, उन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगता है, कहीं कुछ तो ट्रीटमेंट आप एडवाइस करिए, तो उस सिचुएशन में हम जीवी पेंट एडवाइस कर देते हैं। जीवी पेंट का जो रोल होता है वो होता है, वो रेडियो सेंसिटाइजर भी होता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और आपका सूदिंग हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होता है उसमें। तो ग्रेड वन में, ग्रेड टू में हम जीवी पेंट एडवाइस कर देते हैं। टू में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, उसने वन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है टू में, तो फिर हम उस लेवल पे टू या थ्री में जब भी वो जाते हैं तो प्रॉपर एंटीबायोटिक, ऑइंटमेंट, ये सब एडवाइस करते हैं। लेकिन ऑइंटमेंट का भी एक टाइम होता है, ड्यूरिंग रेडिएशन लगा के नहीं आना होता है, रेडिएशन कराने के 4 से 5 घंटे के बाद लगाना होता है या फिर बेड टाइम लगाना होता है, और जब अगले दिन रेडिएशन के लिए आप आते हो तो वो लगाना नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। दूसरा क्या होता है प्रिकॉशंस में, जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन से बचाना है, उस हिस्से को डायरेक्टली सन से बचाना है, रफ कपड़े जिनका जो टेक्सचर होता है बहुत हार्ड होता है वो नहीं पहनने हैं, और सोते टाइम या फिर जब आप रिलैक्स करेंगे तो उस एरिया को ओपन रखिए ताकि नेचुरल एयर उसको लगे जितने उस, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है हल्के से फ्रिक्शन से ही वहाँ की स्किन हट जाती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ड्यूरिंग रेडिएशन आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सारा ध्यान दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी रिएक्शंस आते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि कुछ अनअवॉइडेबल साइट्स होते हैं। जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल दूं आपको, ब्रेस्ट का अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं, ब्रेस्ट में क्या होता है, ये फोल्ड होता है एक्जिला, तो ये जो फोल्ड होता है ना किसी किसी का बहुत बल्की होता है, तो आप कितना भी प्रिकॉशंस ले लो, कितना भी एडवाइस दे दो, इस वाले फोल्ड में स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से वहाँ पे रिएक्शंस आते ही आते हैं। या किसी का बहुत बल्की ब्रेस्ट होता है, अगर उसकी पूरी ब्रेस्ट नहीं निकाली गई है तो उनको रिएक्शंस आते हैं। तो जब रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे तो उसके लिए डॉक्टर से मिलकर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स इसका यही रहता है कि जब भी स्किन रिएक्शंस आए डरे नहीं, वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, और जो भी प्रिकॉशंस आपको एडवाइस की गई है उससे ठीक हो जाता है। न्यूट्रिशन का बहुत रोल है इसमें, जितना आप अपना न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे, हेल्दी रखेंगे, उतना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करेगी और रिकवरी में हेल्प करेगी। तो ये थे ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री के प्रोटोकॉल्स एंड मैनेजमेंट। जब पेशेंट को क्रॉनिक रिएक्शंस आते हैं, क्रॉनिक रेडिएशन डर्मेटाइटिस क्या हो सकती है, जो कि महीनों और सालों के बाद आते हैं, उसमें क्या होता है ना, पेशेंट का परमानेंट डिस्कलरेशन हो सकता है, या तो हाइपर पिगमेंटेशन होगा या हाइपो होगा, फाइब्रोसिस हो सकती है, टेलेंगजेक्टेसिया, कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, हार्डनिंग फील होगी, कुछ इडिमिटस चेंजेस आ सकते हैं। तो ये परमानेंट होते हैं, परमानेंट के लिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना होता, एक्यूट के लिए लेना होता है, क्योंकि एक्यूट की वजह से पेशेंट अपना ट्रीटमेंट इंटरप्ट कर देते हैं। और अगर कभी भी ये प्रॉब्लम्स आएँ तो ये थॉट बिल्कुल नहीं लाना है दिमाग में कि हम रेडिएशन ट्रीटमेंट यहीं रोक दें क्या या ख़त्म कर दें।
अगर बहुत ज़्यादा अल्सर हो गए हैं, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में चले गए हैं, तो उसका मैनेजमेंट होता है हम रेडिएशन का ब्रेक देते हैं कुछ दिन के लिए, होल्ड करते हैं, ओरल या एंटी आईवी एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द नीड चलाते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते हैं, और अगर नीड है ड्रेसिंग की या फिर कुछ और अदर सप्लीमेंट्स वगैरह देने की तो वो हम लेते हैं। तो जब भी कुछ भी हो डरें नहीं, हमेशा अपने डॉक्टर्स के टच में रहें। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लोगों तक ये शेयर करो, क्योंकि ये सारे ही रेडिएशन पेशेंट की प्रॉब्लम है। कभी भी किसी को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।